हेलो दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुलझी हुई विचारधारा लेके आया हूँ। देखिए, जितने जिम्मेदार इस समाज में हम आप हैं, उतने ही जिम्मेदार सभी को होना पड़ेगा। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मामला चल रहा है यूपी पेपर लीक का। बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले आपको ये बताते फिरेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है। यूपी गवर्नमेंट में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पे पेपर लीक हुए हैं। अभी सीटेट, यूपीटेट, वीडियो, यूपीएसआई में क्या हुआ था आपको याद है? यूपीएसआई में क्या हुआ था? सबसे बड़े दोष हम और आप क्या करते हैं, सरकार को देते हैं। सरकार बिल्कुल भी दोषी नहीं है। सरकार को चुनने का अधिकार हमारे पास है, हमने सरकार को चुना और अब सरकार अपनी मर्जी कर रही है। तो हमारा ही उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार से दो दो हाथ करें, क्योंकि अगर सरकार हमारी नहीं तो हम सरकार के नहीं। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। आप किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, आपके घर का बच्चा भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहा होगा। आप मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर आप पैसे नहीं खर्च कर रहे तो बेशक चुप रहिए। अगर आपने जुगाड़ लगा रखा है तो आप चुप रहिए। लेकिन जिसने जुगाड़ नहीं लगाया है, उस गरीब माँ बाप से पूछिए उस गरीब माँ बाप से कि कहाँ से लाता है वो पैसे, कैसे पढ़ाया था उसने अपने बच्चों को। कोई एक वैकेंसी की, मैं यूपी में नहीं बात कर रहा हूँ कि आज यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ है, तो मैं पेपर लीक की बात केवल और केवल पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। आपको ढेर सारे कोचिंग वाले मिल जाएंगे, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन रोल करो, ऑनलाइन ये करो, ऑनलाइन वो करो, ऑनलाइन ट्विटर पे जाओ, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी के लिए बोला योगी जी ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 2021 में यूपीटेट का पेपर लीक हुआ था, पेपर चल रहा था, इसी बीच में योगी जी ने आदेश दे दिया कि पेपर कैंसिल, मेरे भाई बता दो मुझे, क्या योगी जी को ये पता चल गई थी? और आज इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर 48 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, कितनी उम्मीद लेके पेपर दे रहे होंगे वो? उनके आत्मा से पूछिए उनकी आत्मा से कि 48 लाख बच्चों का, जिस प्रदेश में इतने बेरोजगार हैं, कि आपने एक क्राइटेरिया बनाया सर। मैं आपसे बात करता हूँ, मैं योगी जी बड़े विनम्र भाव से आपसे निवेदन करता हूँ कि हमने पैदा होकर गुनाह नहीं किया है। हमारी हाइट अगर 1.64 से कम हो जाती तो आप कहते कि आप पुलिस में नहीं जा सकते, आप दरोगा नहीं बन सकते। आपका क्या क्राइटेरिया है? आपने नियम लाया, हमारे बीजेपी के दिग्गजों ने एक नियम लाया कि 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाएंगे। सर, किस पे लगाएंगे आप, कब लगाएंगे? लोगों को झूठी दिलासा देना बंद कीजिए। आपके राज्य में पीसीएस तक के पेपर लीक हो रहे हैं। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत से लोग मेरे इस वीडियो से खफा भी होंगे, नाराज भी होंगे, मुझे गाली भी देंगे, हो सकता है प्रशासन भी मेरे ऊपर एक्शन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं, मैं लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहा हूं। हम लोग का एग्जाम है ये, हम भी एग्जाम देते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर आप लोग करेंगे, हमने कहा कि कई लोग विरोध करेंगे, आप इस बात को समझिए कि हो सकता है कि जो बीजेपी के समर्थक हों, जिनको लोग गोबर भक्त कहते हैं, मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं गोबर भक्त है वो, उनके घर में भी बच्चे होंगे, पेपर दे रहे होंगे, उन्होंने पैसे और सपने सजोए होंगे, खराब किया होगा। मेरे भाइयों, एक बात बताओ मुझे कि उनका क्या हुआ होगा, कितनी मौतें हो गई होंगी अब तक, पता नहीं कितनों का दिल बैठ गया होगा, दोबारा परीक्षा नहीं देने जाएंगे। बीजेपी जब से बनी है, कुछ गोबर भक्त आपको कहेंगे कि पहले भी पेपर लीक हुआ करता था, कोई आज नई बात है क्या? उनसे पूछो, उन नालायकों से पूछना कि अगर यही कंडीशन ना बदलनी होती तो हम आपको वोट क्यों देते, आपको सत्ता में क्यों लाते? क्योंकि पहले भी वो घटनाएं हो रही थी, हम चाहते हैं कि वो घटनाएं अब दोबारा ना हो, इसलिए तो आपको लाए थे। लेकिन आपके आने का फायदा क्या हुआ, क्या हुआ आपके आने का फायदा, जब चीजें वैसे ही चलनी है? एक किसान आदमी खेत में गेहूं बोता है तो दो साल होने के बाद अगर उसको अच्छी पैदावार नहीं मिले तो दूसरी फसल लगाता है, दूसरे प्रकार का गेहूं लगाता है। क्यों? इस उम्मीद से कि इस बार पैदावार ये फसल अच्छी देगी। लेकिन अगर वही रवैया उसका रहे तो फिर गेहूं बदलने का मतलब क्या है? मेरे भाई बहनों, निवेदन है कि इन सब चीजों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आप ट्विटर करते रहो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे चलते रहो, कोई मतलब नहीं है जब तक आप योगी जी को एक संदेश स्पष्ट तौर पे नहीं देंगे। मैं एकदम खुले तौर पे बोल रहा हूं, मेरा अधिकार है, मैं इस भारत का नागरिक हूं,
मुझे वोट देने का अधिकार है। और एक चीज सरकार को समझानी पड़ेगी कि अगर हमें न्याय नहीं दिया आपने तो हम आपको वोट नहीं देंगे। युवाओं ने सरकार बनाई है, इन युवाओं के दम पे अपने हैं। ये युवा राम मंदिर के मुद्दे में भड़कने वाले नहीं हैं, आपके 5 किलो अनाज पे भड़कने वाले नहीं हैं। महोदय, कुछ तथाकथित मीडिया वाले लोग कहते हैं गोदी मीडिया, मैं तो कहता हूं सीधे सीधे नालायक मीडिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि नालायक मीडिया कौन है। अभी न्यूज दे रहे हैं कि विरोधी विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट किया है सरकार को बदनाम करने के लिए। अरे भाई, तुम्हारी राजनीति के चक्कर में हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। तुम मीडिया का मतलब भी समझते हो जो मीडिया वाले कहलाते हो अपने आप को? कैसे कहलाते हो तुम मीडिया वाले? मीडिया का मतलब होता है सरकार का विपक्ष। जहां विपक्ष नहीं होती वहां सरकार का विपक्ष बनकर मीडिया खड़ी होती है। और हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की नालायक मीडिया, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड होता है, उस पर दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी कैसे बोल गए, अखिलेश यादव कैसे बोल गए, फलाने कैसे बोल गए, ढकाने कैसे बोल गए। अरे बोलेंगे नहीं, इस बात से डरेंगे क्या हम कि आप मुझे जेल कर दोगे? अरे कर दो जेल, वैसे बेरोजगार बैठे हैं सब। ये योगी जी विनम्र निवेदन है, सबके चाचा हैं, सबके भाई हैं, सबके घर में बच्चे हैं बूढ़े हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि योगी जी को एक मैसेज आप लोग दीजिए कि अगर आपने न्याय नहीं किया, आपने न्याय नहीं किया तो ये युवा न्याय कर देगा। ये युवा 2024 में न्याय करेगा आपके साथ। अगर आपके पास क्षमता नहीं है न्याय करने की तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि परीक्षा सफल संपन्न हुई। आपको एविडेंस नहीं दिख रहा है? इंटरनल कमेटी बनाई है आपने, इंटरनल कमेटी बहुत कम लोग जानते होंगे। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि इंटरनल कमेटी ये हो गई, इंटरनल कमेटी गठित हो गई। इंटरनल कमेटी क्या होती है, कोई मुझे बताए? आपके लोग क्या रिपोर्ट लगाएंगे? 24 में चुनाव है, रद्द होने देंगे? कितने युवाओं के साथ झगड़ा हो रहा है, पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कैसे कैसे कर्ज लेके पढ़ाया था। आपको सामने आना पड़ेगा मेरे भाइयों, आपको सामने आना पड़ेगा और आपको स्पष्ट कहना पड़ेगा कि योगी जी या तो आप न्याय कर दो, नहीं तो 24 में हम न्याय कर देंगे। जातिवाद छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए ही सही, जातिवाद छोड़ दो मेरे भाई। अगर आप जातिवाद नहीं छोड़ पाओगे तो ये सरकारें आएगी, हमको हमारा खून चूसेंगी। MSP पे किसानों पे मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे तकलीफ है, यहां पे तकलीफ है, बहुत पढ़ा मैंने, कंपटीशन में भी देता हूं। लेकिन क्या कर रहे हैं, आपके घर से बच्चे दे रहे होंगे ना। सोचिए, अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो इसको इतना फैलाओ कि हर बच्चा जागरूक हो जाए और हर बच्चा ये आवाज उठाए। बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं है, आपने पैसे दे दिए बच्चे को पढ़ने के लिए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप उसके गार्जियन हैं, आप उसके भाई हैं, दादा हैं, चाचा हैं, आपको भी उठाना पड़ेगा आवाज। अगर आप नहीं उठाते हैं तो आप भूल जाइए, फिर आप अपने बच्चे को यह मत कहिएगा कि मैंने तुम्हारे पीछे इतने पैसे खर्च किए और तुम नालायक हो, क्योंकि नालायक हम सब हैं, हमने सरकार बनाई है। नेताओं को क्या चाहिए, वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए ना, तो उसी वोट बैंक की दम पे ये जांच भी करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे भी। लेकिन अगर आप चूक गए, आप ये सोचते हैं कि हम ट्विटर पे ट्रेंडिंग करेंगे, यूट्यूब पे वायरल करेंगे, चिल्लाएंगे, वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे करेंगे, फेसबुक पे लगाएंगे कि पेपर लीक हो गया, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा। इस बात को जहन में घुसेड़ दीजिए। कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि मैं अपनी पर्सनल बिजनेस बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ है, यहां पे तकलीफ है मुझे। उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास खाने को नहीं था, कैसे पढ़ाया होगा उनके मां बाप ने? मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि आप केवल कैंडिडेट की जिम्मेदारी नहीं है, उसके मां बाप की, भाई बहन की, चाचा दादाओं की। मेरे भाई, जिनके बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया है उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपका स्पष्ट संदेश होना चाहिए, एक सभ्य समाज बनाइए। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार बनाई थी, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। पेपर कहां से लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं,
योगी जी ने, मोदी जी ने कहा 1 करोड़ की पेनाल्टी लगेगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, एनएसए लगेगा, दुनिया भर का ड्रामा, कानून बना दिया, क्या हुआ, क्या हुआ, कौन? दूसरी बात भी मेरी सुन लो, ये मीडिया वालों से मैं निवेदन करूंगा कि है गोदी मीडिया वालों, गोदी मीडिया कहना भी बेकार है, नालायक मीडिया वालों, चमचों दलालों, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी औकात नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की तो बंद कर दो अपना चैनल। अगर दिखाना है तो या तो तुम मुझे प्रूफ दे दो या तो मुझसे प्रूफ ले लो कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। क्या दिखा रहे हो तुम, सरकार की चापलूसी, नैरेटिव सेट कर रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कैसे नहीं लीक हुआ है? तुम्हें बच्चों के साथ होना चाहिए, तुम्हें जनता के साथ होना चाहिए। और फिर मैं तुमसे एक बात सवाल पूछता हूं, सीधा सीधा पूछता हूं कि अगर पेपर नहीं लीक हुआ, पेपर में धांधली नहीं हुई, तो तुमने कैसे छाप दिया, तुमने कैसे दिखा दिया कि इतने पकड़े गए, इतने पकड़े गए, इतने पकड़े गए? अरे वही एविडेंस लिया कि गवर्नमेंट को दो ना, गवर्नमेंट नदी थोड़े ना, क्या तुम्हारी गवर्नमेंट की आंख कान नहीं है, वो नहीं देख रही है कि कितने पकड़े गए? आपकी प्रशासन जेल में डालती है, बड़े बड़े फोटो खिंचवाती है कि हमारी एसटीएफ ने, हमारी पुलिस ने इतने लोगों को, इतने सालवरों को पकड़ा, तो क्या जापान से मंगल ग्रह के पकड़ के लाए? इसका मतलब तुम्हारी बात का कोई वजूद नहीं है, अगर गवर्नमेंट तुम्हारी बात नहीं मान रही है। अरे अपने उस थानेदार की बात नहीं मान रही, उस एसटीएफ की बात नहीं मान रही है जिसने पकड़ के उसको जेल में डाला है? अगर सब कुछ सकुशल है तो उनको क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ा उनको, सकुशल थे ना? जब भी एग्जाम खत्म होता है एक टैगलाइन आती है गवर्नमेंट की, फला एग्जाम सक्सेस संपन्न हुआ। मोदी जी कभी फील्ड में आके देखिए क्या चल रहा है, 10-10 रुपए की दलाली चलती है यहां पे, लखनऊ में बैठ के, गोरखपुर मठ में बैठ के ऐसे नहीं होता है। मैं आपका बच्चा हूं, आपसे निवेदन कर सकता हूं, आपसे लड़ सकता हूं और लड़ूंगा। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, आपके कुछ कर्मचारी आके हमको उठा ले जाएंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे, जेल ले जाएंगे, लेकिन बच्चा अपने बाप से नहीं लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? आप इस उत्तर प्रदेश के वर्तमान में पिता हैं, मुझे आपसे लड़ने का पूरा अधिकार है और मैं लड़ूंगा। आपके होते हुए गलत हो रहा है और आप आंख मूंद के बैठे हैं, इस बात को आप लोग समझिए। हमारी वजह से आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी वजह से हम नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि योगी जी अगर आप न्याय नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में रहने का अवसर ये जनता देगी या नहीं देगी, इसके लिए मैं कैंपेन चलाऊंगा। हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता तो हम न्याय करना जानते हैं। मैं सभी से एक वोट की अपील है, एक वोट आपकी पावर है, बस उसी को टारगेट करिए, गवर्नमेंट लाइन पे आ जाएगी। विनम्र निवेदन है, पुनः निवेदन करूंगा कि ट्विटर, फेसबुक या स्नैपचैट, व्हाट्सएप से कुछ नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी जब तक उसको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये फैसला उसका कितना खराब हो सकता है। आज जो तेल डाल के बैठे हैं ना कान में, कभी कभी तो इनको 10 मिनट पहले पता चल जाता है पेपर रद्द हो जाता है, और आज पता नहीं चल रहा है क्योंकि चुनाव सर पे है। उनको पता है कि हम सब पागल हैं, हम राम मंदिर के मुद्दे में भटक के उनको वोट देंगे। आप मुझे बताइए आप किस मुंह से वोट देने जाएंगे, आपका जमीन क्या कहेगा जब आपका बच्चे के साथ ये घटना घटी होगी? आपका बच्चा 3 साल से 4 साल से 6-6 साल बाद नौकरी आ रही है, पता नहीं कितने ओवर एज हो गए, एक टुंगनी पकड़ा दिया टुंगनी आपको, हमने एज में छूट दे दी, मेरे भाई एज में छूट दी है, क्या किया? उसकी जड़ तक जाइए, पहले तो एग्जाम रद्द करवाइए, और ये तभी होगा जब आप ये संकल्प लेंगे कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम 2024 में न्याय करेंगे अपनी एक वोट के दम पर। इसी के साथ मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप केवल अपने बच्चों को दोष मत दीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। योगी जी, मोदी जी तक ये बात पहुंचाइए, 1 करोड़ का नियम बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको धरातल पर करिए। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं,
और डर भी नहीं रहा हूं। इस बात के लिए बेफिक्र रहिए कि मैं डर नहीं रहा हूं, मैं खड़ा रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े रहो, मैं सरकारी गुंडों से नहीं डरूंगा, हकीकत बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। एक वोट की ताकत क्या होती है इनको दिखाना पड़ेगा। ये जितने युवा है ना, इन्होंने सरकार बनाई है, आपको दिखाना पड़ेगा और आप दिखाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, विनम्र निवेदन है। और इस बात को संकल्प लीजिए कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो 24 में हमें न्याय करना पड़ेगा।